उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग गोरखपुर व बस्ती मंडल से संबंधित प्रदेश पदाधिकारियों व जिलाध्यक्षों की बैठक गोरखपुर स्थित LRP डाक बंगला परिसर में प्रदेश उपाध्यक्ष दयानंद सिंह दुसाद की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 10 लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर, बासगांव, सलेमपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, डुमरियागंज, बस्ती, बलिया, संतकबीर नगर में दलित बस्तियों में पैठ मजबूत करने की रणनीति बनाई गई। सेक्टर कोऑर्डिनेटर रविशंकर ने कहा कि चुनाव की घोषणा के पूर्व कांग्रेस हर दलित बस्ती में पूर्व की भांति मजबूती से खड़ा करने की ठोस रणनीति अपनाएगी। हर बूथ पर कांग्रेस दमदारी से मतों को बटोरेगी। इसके लिए अनुसूचित जाति की समस्त उपजातियों में उनके समाज के नेताओं को जोड़ने का अभियान प्रारंभ कर दिया गया है। बैठक में DN चौधरी, इंद्रजीत चौधरी, स्नेहलता, संदीप गोरखपुरी, एडवोकेट अजय कुमार पासवान, रामदयाल शिवशंकर, शंकर प्रसाद, छोटेलाल भारती, रवि प्रसाद सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए सेक्टर कोऑर्डिनेटर रविशंकर ने कहा, दलित वर्ग प्रत्येक गांव में प्रत्येक दलित परिवार के साथ जुड़ेगा, उस पर हम रणनीति करेंगे। यहां पर प्रत्येक बूथ के जितनी भी दलित बस्तियाँ हैं उन दलित बस्तियों के परिवारों तक, मतदाता तक, उस पर फोटो जो है कांग्रेस पार्टी किस तरह से इस देश। आज हम जो है AICC की तरफ से जो एक रणनीति बन रही है कि हमारा जो खोया हुआ दलित वोट बैंक है हम उस तक कैसे पहुँचें और उनको अपनी बात कैसे पहुँचाएँ कि कांग्रेस ने उनके लिए क्या क्या किया है। और इतने सालों में आज शिक्षा लोगों तक पहुँची है, सरकारी नौकरियाँ लोगों तक पहुँची हैं, वो कांग्रेस के काल में हुआ है। और अभी मोदी जी के काल में जो चल रहा है कि इन्होंने 13-point रोस्टर ले आए हैं और चीज़ें ऐसी हैं जिसके हमारे आरक्षण और इस तरह के मुद्दे जो हैं इन पर मतलब प्रहार कर रही है BJP गवर्नमेंट, उसको हम जनता तक, आखिरी वोटर तक ले जाना चाहते हैं। और कांग्रेस की जो विचारधारा है कि अंतिम आदमी तक सारी सुविधाएं पहुँचें, जो गांधी जी और नेहरू जी और इंदिरा जी का सपना था कि गरीबी हटे देश से, तो हम उस सारी बातों पर अपनी पार्टी की का पक्ष लोगों तक लेके अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहते हैं और उन्हें बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है। और जो लोग हैं वो केवल चुनावी भाषण देते रहे हैं और अब लोग दलितों के नाम पर वोट बटोर के सत्ता में आए और वो दलित की बेटी से ऊपर अब धनवानों की बेटी हो गई हैं, ऐसे चीज़ों को हम जनता के बीच में लेके जाना चाहते हैं और इस पर मुद्दे पर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। प्रियंका जी का फैक्टर से बहुत फ़ायदा हो रहा है कांग्रेस को। हम लोग तो जमीन स्तर पर घूम रहे हैं तो लोगों का जुड़ाव प्रियंका जी के नाम पर हो रहा है। बहुत सारी पार्टियों के बड़े बड़े लीडर भी संपर्क में हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और हम लोग सबको साथ लेकर एक मजबूत अपने यहाँ पर चुनौती रखेंगे और हम लोग सरकार बनाएंगे 2019 में।